भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा और एलनाबाद चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं सुभाष बराड़ा जी हमारे साथ हैं। बराड़ा जी, जिस तरह से वोटिंग हो रही है, ऐसा लगता है कि बम्पर वोटिंग होने की उम्मीद है, क्या नतीजा देखते हैं एलनाबाद चुनाव में? देखिए, ये तो होना ही चाहिए। कोई भी चुनाव उपचुनाव होता है, जनता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता। सबसे बड़ा पर्व है और उसमें डट कर के मतदान जनता को करना चाहिए, और एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता अच्छा मतदान कर रही है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बराड़ा जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, क्योंकि आप लोगों ने विकास का मुद्दा उनके सामने रखा, अभय सिंह चौटाला किसानों का मुद्दा सामने रख रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, तो उसको लेकर के आप क्या कहना? देखिए, हमने एक नारा दिया था यहाँ पे, जोर जुल्म की टक्कर में विकास हमारा नारा है। ये जो अभय सिंह चौटाला है, ये जोर जबरदस्ती जुल्म लोगों पर करते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सालों में विकास कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो ये दो मुद्दे, उनकी तरफ से लोगों के ऊपर दबाव, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, और हमारी सरकार की तरफ से विकास करना, ये चीजें प्रमुख रूप से इस चुनाव के अंदर चली। अभी तक एलनाबाद की जनता ने हमेशा लगभग मान के चले तो विपक्ष का ही साथ दिया है, और सत्ता पक्ष की तरफ वो नहीं जा पाए हैं। हमने लोगों से भी बात की थी, तो क्या लगता है आपको अब की बार, क्योंकि जींद में आपने उपचुनाव जीत लिया था लेकिन बड़ौदा में आप नहीं निकाल पाए थे, तो यहाँ क्या उम्मीद है? देखिए, यहाँ जिस तरह से लोगों से संपर्क हुआ है, एक बात निकल करके आई है कि लोग अब सत्ता के अंदर भागीदारी चाहते हैं, और वही रुख यहाँ पे आज जो वोटिंग पैटर्न है उसमें दिखाई भी दे रहा है। लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के, हमारा गठबंधन के जो उम्मीदवार गोविंद जी, उनको वोट करने के लिए बाहर आ रहे हैं। किसान आंदोलन का कुछ फर्क लगता है आपको? देखिए, किसान आंदोलन जो मुद्दे यहाँ पर रहे हैं, और जिस वजह से अभय सिंह चौटाला ने रिजाइन किया था, वो चर्चा यहाँ पर कम होती दिखाई दी। अच्छा होता कि यहाँ पर जो बहस है चुनाव की, वो किसान के मुद्दों के ऊपर होती। तो ये थे सुभाष बराड़ा जो प्रभारी हैं इस एलनाबाद चुनाव को लेकर के। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि बीजेपी ने बिना भेदभाव के विकास के काम किए हैं, और उन्हीं विकास के कामों के आधार पर जनता उन्हें वोट देगी, और उन्हें पूरी उम्मीद है के जो 2 तारीख को नतीजे आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गोविंद कांडा ही जीत कर यहाँ पर कमल का फूल खिलाएगा। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, एलनाबाद सिरसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।